जैसे कि हमारे राज्यसभा के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुश नसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं एक भाई था, मैं छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी थी मेरा भतीजा, और मेरी पत्नी मेरा एक बेटा है और बड़ा परिवार मेरा था। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के साथ में मेरी पत्नी को लेकर के जूनागढ़ के मेरे में गया था, परंतु वहां से वापस आने को जब चला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। दोनों भगवान को प्यारे थे। सौभाग्य से मेरा भतीजा उस समय मात्र 3 साल का था, बच गया। लेकिन उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मुझे बहुत इलाज करवाया, बहुत दिखाया, लेकिन असफल रहा, पूरा रोशनी नहीं जा सकता। लेकिन मेरी पत्नी अंधी होकर के भी मेरे भतीजे की परवरिश किया, आज उन्हीं मेरा भतीजा बीए कर रहा है। मेरा बेटा भी एक समर्थक है, मेरी बहू है, और दोस्तों मेरे पास 200 बीघे भी है, जमीन भी है। भगवान ने मेरे को कुछ कमी नहीं रखा है, सब कुछ दे रखा है, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन ये सब ऐसे आराम ऐसे ऐसे होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास जाता हूँ और पत्नी की हालात के अंदर डालता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कम से कम कुछ काम तो अपने हाथों से कर लिया करते, दूसरों को कारण ले जाता। ये सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। जाओ समस्ती को भुला करके ले जाओ। यही है मेरा बेटा, सारा दिन मजदूरों को लेकर के जमीनों पे जाकर के काम करता है, खेतों में जरा सा भी उठ नहीं करता, कोई चीज पर शिकायत नहीं होती है, खाने पीने का भी ख्याल नहीं रखता है। अगर भगवान किसी को औलाद दे तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरी समर सिंह जैसा बेटा सब होना चाहिए, ऐसे बच्चे को पा करके मेरा संपूर्ण जीवन धन्य होगा। मेरे बच्चे सुनो, मैंने किस लिए बुलाया है?
मेरी विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसकी माता पिता इस दुनिया में नहीं है। और देख, ये तेरी माँ है, इसे एक सहारे की जरूरत है बेटा। अगर माँ का दिल टूट गया तो मैं भी जिंदगी से हार जाऊंगा। अपनी माँ का ख्याल रखना, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा धर्म है। और कितने हैं सौराज महाराज की सेवा कर लेता है उसे बढ़कर की कोई विधाम नहीं होती है। महाराज के ही चरणों में सब कुछ है बाबू जी। और रही बात पिमल सिंह, तो बाबू जी पिमल सिंह को कभी एहसास नहीं होगा। लेकिन विमल को आ जाना चाहिए था, आए थे नहीं कॉलेज से भी। हाँ बाबू जी, अब ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से नहीं आया। हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ निकले हो, थोड़ी देर का सिर्फ किया। ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो इसलिए आप लोगों के एक साथ बैठे कभी मैंने नहीं देखा है। आज आप लोगों के एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बड़े बाबूजी, आज परिवार पूरा इकट्ठी किया सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा नहीं था कि तू यही बोलने वाला है, क्योंकि अपनी भाभी के बजाय तू बेचैन रहता है और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती वो परेशान रहती। अभी मैंने इसके पहले देखा तो तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी।
मेरे कपड़े धुल रही थी। ठीक है बड़ी बाबू जी, बड़ी भैया आप ही बताए कि छोटे वाली भाभी जी कहाँ पर है। तुम जानते हो तुम्हारी भाभी घर में अकेली है और उसे कितना सारा काम करता है, लेकिन हर रोज तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आती हो हर तुमसे यही पूछा करती है कि मेरा देवर कहाँ है। देखो ये बताइए कि सुनकर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। भाई भैया दादा और दादी जी की आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तुम सीधे हुए थे आत्म सीधे लग और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो हमें उम्मीद है कि दिन को अच्छा सा काम जो मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी बाबू जी और हमारा नाम रोशन होगा। भैया आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। धन्यवाद मेरे भाई, हम लोगों की उम्मीद पर कभी पानी नहीं पीने दे रहा। नहीं बड़े भैया आ देखो तुम्हारी भाभी आ रही है। और माँ सभी लोग आपस में बैठ कर यहाँ बातें कर रही थी, भोजन बना करके इंतजार कर रहे हैं, चल करके भोजन कर लीजिए। दोस्तों ये है हमारी वो बहू, बहू नहीं है ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर में अपने कदम को रख दिया है हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। सबकी सेवा करना, कपड़े धुलना, समय से खाना तैयार करना, सबको खिलाना पिलाना और जरा सा भी शिकायत नहीं करना, ऐसी बहू कहाँ नसीब होगी। मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी को बहू मिले तो हमारी बेहूती से मिले। चलो बीते आज सब एक सब लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते क्योंकि आज आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ बेटे खैरागढ़ मेरा एक दोस्त रहता है, किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो बहुत ही एजेड है, इस समय ठीक हो गया है, बीमार है, मेरे को देखने के लिए बुलाया है। सर जी आप ये क्या कह रहे हैं, आप अपने दोस्त से मिलने जाएंगे? स्वामी जी आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए, आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो मुझे अपने धोती के पल्लू में बांध करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाओ। सब जी आप ये कैसे इंसल्ट बात करते हैं। अरे बाबू जी ऐसी बातें नहीं किया करते, और माँ बाबू जी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रदेश तो नहीं जा रहे कि साल छह महीने के लिए जा रहे हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के यहाँ एक या दो दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर आपकी देखभाल करने के लिए हम दो भाई मौजूद हैं, हमारी भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ। बेटे विमल तुम अपनी माँ को नहीं जानते, ये जब से हमारे घर में अपने कदम को रखा है जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया कभी इसने पानी तक नहीं पिया और मेरे थाली के जब तक झूठा भोजन इतने नहीं खाया कभी इसका पेट नहीं भरा। ये तुमको दो अहमत थी लेकिन जान एक। और बताओ जब कोई मेरे को हमारे गांव के लोग जो मेरे को बड़ू कहते नहीं बड़ू, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मैं गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाता मालूम क्या कहता हूँ खबरदार मेरे को कोई बड़ू मत कहिएगा, मैं एंगेज तुम बिल्कुल एंगेज नौजवान मैं नो। जबकि मेरी भुजाओं पे दो दो हाथियों की ताकत तो मैं कैसे बुझा हो सकता हूँ, मैं पुराना नहीं हो सकता। क्यों नहीं बड़ी बाबू जी, जिस बाप के पास दो औलाद हो और अपने बराबर के हो वो बाप बूढ़ा कैसे हो सकता है। बेटा
हमारे घर की यूनिटी और एकता बना करके रखना। जब तक हमारे जितने सांप चले हमारे घर में कभी दो चूल्हे नहीं जलेंगे, और जिस दिन हमारे घर में चूल्हे जलेंगे उसी दिन की स्थिति हमारी मिट्टी उठेगी। यही भाई बाबू जी, हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। और भाई बाबू जी, हमारे घर के अंदर जब हमारे घर के सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। अरे यार, वो सिर्फ हमारी भाभी नहीं है बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ है, हमार भाभी मौसी है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है। जिस तरह पहले शब्द माँ में माँ का आता है उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का आता है, इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता है।